नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट के लिए फोर्थ सेशन की पहली वेटिंग लिस्ट यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। कैंडिडेट्स के नाम यहाँ पे शामिल कर लिए गए। अगर आपका नाम लिस्ट में यहाँ पे शामिल है तो देखिए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे कराना होगा। डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जा रही है। पूरी जानकारी इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की डेट यहाँ पे क्या रहेगी, टाइमिंग्स यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, प्लेस यहाँ पे क्या रहेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे तैयार करके ले जाने हैं डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए, कहने वाली बात है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे क्या रहने वाली है, ये जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और देखिए बैंक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट आपको यहाँ पे बनवाना होगा और देखिए कितनी राशि का ये डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे बनेगा इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और यहाँ पे देखिए इसके साथ साथ श्योरिटी बॉन्ड भी आपको यहाँ पे बनवाना है, इसका फॉर्मेट यहाँ पे क्या रहेगा इसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और अंत में यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। वेरिफिकेशन जब आपका यहाँ पे हो जाएगा तो देखिए रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे करनी है। तो देखिए डेट यहाँ पे कौन सी डिसाइड की गई है रिपोर्टिंग के लिए, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है, दिल से वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल वगैरह है, आप सभी लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। दोस्तों देखिए मध्य प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की हर एक अपडेट की जानकारी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आगे आने वाली है अब आपसे यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, अभी हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें, तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक कर लें। मध्य प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की हर एक अपडेट की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहें। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को और बढ़ जाते हैं अपनी जानकारी की ओर। तो दोस्तों देखिए एनएचएम मध्य प्रदेश द्वारा ये पूरा अपडेट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। 16 अक्टूबर 2020 को ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जा रही है। और देखिए पहले पैराग्राफ में इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे दी गई है लिखा हुआ है 10 दिसंबर 2019 को जो है आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराई गई थी। इसके आधार पर जो है आपको यहाँ पे रैंकिंग मेरिट और देखिए स्कोर कार्ड के आधार पर आपको यहाँ पे सिलेक्शन दे दिया गया। अब बात कर लेते हैं सीट्स को लेकर, तो देखिए 172 सीट्स पे लेकर यहाँ पे अलॉटमेंट यहाँ पे आया हुआ है, जिसमें से देखिए 85 अभ्यर्थियों को यहाँ पे चयन कर लिया गया है। कहने वाली बात है 172 सीट में से 85 कैंडिडेट को यहाँ पे अलॉटमेंट मिल चुका है। अब बात कर लेते हैं देखिए आपकी डेट यहाँ पे क्या रहेगी डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए। दोस्तों देखिए अगर आपका नाम लिस्ट में यहाँ पे शामिल है तो देखिए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे कराना होगा। तीन डेट यहाँ पे देखिए डिसाइड की गई है, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या फिर देखिए 21 अक्टूबर, तीनों में से किसी भी एक तारीख पर जाके आप सभी लोग अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लें। और यहाँ पे देखिए समय आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सुबह 10 बजे से देखिए 5 बजे के बीच आप लोग अपनी यहाँ पे प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर लें। तो बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे, डेट के बारे में जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी है और देखिए टाइमिंग के बारे में मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दे दी है। अब बात कर लेते हैं प्लेस कहाँ पे जाना होगा आपको अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने के लिए। तो इसके लिए जो है मैं आपको यहाँ पे चयनित अभ्यर्थियों की सूची की ओर आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची की ओर हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और देखिए जो भी आपके नाम के आगे प्रोग्राम स्टडी सेंटर आपको यहाँ पे दिया गया है वहीं पे जाना है, आप लोग अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे। जो आप लोग का नाम है और आपके नाम के आगे देखिए प्रोग्राम स्टडी सेंटर का नाम आपको यहाँ पे दे दिया गया है, यही आपका यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर रहेगा, यहीं पे जाके आप लोग अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने वाले हैं। तो प्लेस की जानकारी भी आपको यहाँ पे मिल गई है। और यहाँ पे देखिए अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे कौन कौन से तैयार करके ले जाने हैं वेरिफिकेशन के लिए, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ लिस्ट यहाँ पे क्या दी गई है। तो देखिए अनिवार्य दस्तावेजों की सूची आपको यहाँ पे दी जा रही है और देखिए लिस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई है। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे बोला गया है उम्मीदवारों को प्रशिक्षण में प्रवेश के समय आवंटित प्रोग्राम स्टडी सेंटर में निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र एवं स्वयं सत्यापित 6 प्रति साथ में लाना अनिवार्य होगा। कहने वाली बात है जितने भी आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल फॉर्म मूल प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे लेकर जाने हैं और देखिए फोटोकॉपी, कहने वाली बात है 6 प्रति का सेट भी आपको यहाँ पे ले जाना है। और देखिए फोटोकॉपी का जितना भी यहाँ पे सेट रहेगा आपके डॉक्यूमेंट का, देखिए आपके द्वारा स्वयं सत्यापित सिग्नेचर उस पर होना आपके जरूरी है। अब बढ़ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की ओर। तो देखिए पहला जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे लेकर जाना है वो रहेगा आपका यहाँ पे बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जीएनएम और देखिए बीएएमएस की उत्तीर्ण अंक सूची, जो भी आपके यहाँ पे देखिए मार्कशीट्स हैं सेमेस्टर्स की आप लोग यहाँ पे लेकर जाएंगे, आपकी बीएससी नर्सिंग की हो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की हो जीएनएम की हो या फिर देखिए बीएएमएस की हो। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जीएनएम बीएएमएस डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आपके पास यहाँ पे देखिए डिग्री सर्टिफिकेट है तो ये आप लोग यहाँ पे कैरी करके ले जाएंगे ओरिजिनल फॉर्म में भी और यहाँ पे देखिए फोटोकॉपी के सेट में भी। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो रहेगा देखिए 10वीं की उत्तीर्ण अंक सूची और यहाँ पे देखिए 12वीं की उत्तीर्ण अंक सूची, कहने वाली बात है 10वीं और 12वीं की जो आपके यहाँ पे मार्कशीट्स है वो आप लोग यहाँ पे लेकर जाएंगे ओरिजिनल फॉर्म में और यहाँ पे देखिए फोटोकॉपी के फॉर्म में।
दोस्तों देखिए अगला जो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे ले जाना है लिखा हुआ है रजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल मध्य प्रदेश आयुर्वेद और यहाँ पे देखिए यूनानी चिकित्सा प्रणाली जो भी आपकी पोस्ट से जुड़ा हुआ आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य का रजिस्ट्रेशन है वो आप लोग यहाँ पे लेकर जाएंगे। रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे चेक किया जाएगा और देखिए ऑरिजिनल फॉर्म में आप लोग यहाँ पे जानकारी ले जाएँ और देखिए फोटोकॉपी का सेट भी आपको ये प्रोवाइड कराना होगा। नवीन पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ भी आप लोग यहाँ पे लेकर जाएंगे फॉर्म फिल करते समय जो आप लोगों ने फोटोग्राफ प्रोवाइड कराए थे तो वही फोटो आप लोग को यहाँ पे लेकर जाना है। लिखा हुआ है रुपये 500 के स्टाम्प पेपर पर राशि 2 लाख रुपये का जो है आपको बॉन्ड आपको यहाँ पे भरना होगा और देखिए बॉन्ड आपको यहाँ पे तैयार करके ले जाना है। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। 500 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पे ये बनेगा। इसका फॉर्मेट नीचे की तरफ आपको यहाँ पे दिया जा रहा है इसके बारे में जानकारी दे दूँगा। ये देखिए छः महीने का प्रशिक्षण जो है आपका यहाँ पे रहेगा और देखिए हेल्थ और वेलनेस सेंटर में जो है आपको यहाँ पे ट्रेनिंग आपके यहाँ पे कराई जाएगी और न्यूनतम जो है 3 वर्ष का कार्य संपादन का इसमें उल्लेख रहेगा। इसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पे दी जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला जो डॉक्यूमेंट है वो रहेगा मध्य प्रदेश द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। अगर आप लोग यहाँ पे देखिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और यहाँ पे देखिए ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं और देखिए आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं तो देखिए आप लोगों को अनुविभाग के द्वारा यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश राज्य का आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे ले जाना होगा और देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे ले जाना है ऑरिजिनल फॉर्म में भी ले जाएँ और देखिए आपको यहाँ पे फोटोकॉपी का फॉर्म में भी ले जाना है। अंत में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र न्यूनतम जो है MBBS चिकित्सक द्वारा ये बना हुआ जरूरी है और देखिए 15 दिनों के भीतर ये जारी हुआ जरूरी बोला गया है। देखिए मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र आप लोग यहाँ पे बनवाएंगे और यहाँ पे देखिए MBBS चिकित्सक द्वारा ये बना हुआ यहाँ पे जरूरी है और देखिए ज़्यादा पुराना ना हो 15 दिनों के भीतर जो है ये बना हुआ यहाँ पे जरूरी है। अंत में यहाँ पे देखिए जो डॉक्यूमेंट है वो रहेगा आपका यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र। तो देखिए अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल करते समय एक्सपीरियंस की जानकारी प्रोवाइड कराई थी तो देखिए अनुभव की जानकारी आप लोग यहाँ पे देंगे अन्यथा इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। दोस्तों देखिए अंतिम जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है जो आपको यहाँ पे ले जाना है लिखा हुआ है सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ चयन परीक्षा की अंक सूची एवं प्रवेश पत्र मूल्यता एवं सत्यापित छायाप्रति। कहने वाली बात है आप लोगों की मार्कशीट थी जब आप लोगों ने अपने मार्क्स यहाँ पे चेक किए थे आउट ऑफ 100 आप लोगों ने यहाँ पे कितने अंक आपने प्राप्त किए थे तो देखिए वो मार्कशीट आपको यहाँ पे ले जानी है और देखिए एडमिट कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल है तो देखिए दोनों में से कोई भी एक जानकारी आप लोग यहाँ पे ले जा सकते हैं। दोनों हैं तो दोनों ले जाएँ और दोनों में से कोई भी एक जानकारी है तो आप लोग यहाँ पे ले जा सकते हैं। और दोस्तों देखिए पोर्टल पे MPOLN का जो पोर्टल है उस पर अभी भी यहाँ पे देखिए ऑप्शन अवेलेबल है वहाँ से जो है आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे लेकर जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपको सत्यापित करके ले जानी है और यहाँ पे देखिए फोटोकॉपी का सेट भी प्रोवाइड कराना है। लिखा हुआ है किसी भी प्रमाण पत्र की कमी होने की स्थिति में उम्मीदवार को यहाँ पे देखिए अपात्र माना जाएगा और यहाँ पे देखिए प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं और जो है आपको डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। तो दोस्तों देखिए डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की पूरी जानकारी दी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए डिमांड ड्राफ्ट को लेके। तो देखिए डिमांड ड्राफ्ट आपको यहाँ पे बनवाना होगा। सेकंड नंबर का पॉइंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है प्रवेश के समय ₹15,000 का डिमांड ड्राफ्ट जो है आपको यहाँ पे बनवाना है और देखिए किसके नाम पे बनेगा स्टेट हेल्थ सोसाइटी भोपाल इसके नाम पे ये आप लोग यहाँ पे अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे। और देखिए लिखा हुआ है के नाम से बना हुआ यहाँ पे अनिवार्य लाना है और यह राशि जो है प्रशिक्षण पूर्व हो जाने के बाद अभ्यर्थी को यहाँ पे वापस कर दी जाएगी। तो देखिए डिमांड ड्राफ्ट अभी आपको यहाँ पे बनवाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ₹15,000 की राशि का बनेगा और स्टेट हेल्थ सोसाइटी भोपाल के नाम से ये आपको यहाँ पे बनाकर ले जाना है और देखिए आप लोगों को जो है ये राशि प्रशिक्षण पूर्व हो जाने के बाद आपको यहाँ पे वापस कर दी जाएगी। किसी भी बैंक से आप लोग यहाँ पे बनवा सकते हैं कोई भी यहाँ पे देखिए राष्ट्रीयकृत बैंक जो रहते हैं नेशनलाइज बैंक आप सभी लोग जाके संपर्क कर लें और उनके द्वारा ये आपका ये डिमांड ड्राफ्ट बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए श्योरिटी बॉन्ड की। तो देखिए बॉन्ड आपको यहाँ पे बनवाना होगा और देखिए बॉन्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। बॉन्ड का फॉर्मेट जो है नीचे की तरफ आपको यहाँ पे दिया जा रहा है बॉन्ड जो है आपको ये बनवाना है। देखिए ये पूरा बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेट रहेगा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पे बनेगा 500 रुपये के और देखिए किसी अच्छे वकील से जाके संपर्क करें उनको यहाँ पे अच्छी खासी नॉलेज रहती है। आप लोग अपने यहाँ पे बेसिक डिटेल प्रोवाइड करा दें आपका नाम आपके पिता का नाम जो भी आपके यहाँ पे डिटेल्स हैं आप लोग यहाँ पे उनको बता दें और देखिए ये बॉन्ड बनवा लें किसी अच्छे वकील से आके संपर्क कर लें उनको यहाँ पे जानकारी रहती है। तो दोस्तों देखिए बॉन्ड के बारे में जानकारी दे दी है फॉर्मेट एज इट इज़ यही का यही रहेगा आपको जो है यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे बनवाना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बात करते हैं जो अदर इंस्ट्रक्शन जो आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं रिपोर्टिंग को लेकर और यहाँ पे देखिए लास्ट डेट को लेकर। तो दोस्तों देखिए आप सभी लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो भी आपके यहाँ पे रिपोर्टिंग है बोला जा रहा है
प्रवेश के बाद आवंटित प्रोग्राम स्टडी सेंटर पे 22 अक्टूबर 2020 को आप लोग जो है 9 बजे से आप लोग अपनी यहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे। जैसे ही आपका देखिए डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाएगा तो देखिए 22 अक्टूबर 2020 को जो भी आपका यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, जो भी आपका यहाँ पे अलॉटमेंट है, वहाँ पे जाके आप लोग 9 बजे से अपनी यहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। और देखिए डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट है 21 अक्टूबर 2020 यहाँ पे रहने वाली है। शाम के 5 बजे के बाद अगर आप लोग यहाँ पे जाएंगे तो देखिए प्रवेश आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो देखिए 21 अक्टूबर तक जो है आप लोग यहाँ पे अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लें। तो दोस्तों देखिए पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे कवर की है। और देखिए अगर आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं तो देखिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाइएगा, एक वीडियो की लिंक आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और देखिए कैंडिडेट का पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पर जो हमारे साथ उसने यहाँ पे शेयर किया था डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन के दिन, कौन कौन सी चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, इसके अतिरिक्त वो सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। तो इसी वीडियो के नीचे जाएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, वो वीडियो आप लोग यहाँ पर ज़रूर वॉच करिएगा और काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर कवर की है। कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल वगैरह है, आप सभी लोग हमसे यहाँ पर व्हाट्सएप द्वारा पूछ सकते हैं। तो देखिए व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, 7415 4369। ये चैनल का हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल वगैरह है, आप सभी लोग हमसे हमें पूछ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये अपडेट आपको कैसा लगा जरूर बताएं। सारी जानकारी मैंने यहाँ पे कवर की है जो कि डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में आपसे यहाँ पे मांगी जा रही है। और लाइक कर दें इस वीडियो को, सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। सबसे पहले और सबसे तेज ये जो इन्फॉर्मेशन है एकमात्र हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा आपको यहाँ पे मिली है। लाइक जरूर करें इस वीडियो को। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल वगैरह है, आप सभी लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। दोस्तों देखिए आगे की लिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। और देखिए कोई भी जानकारी जो आगे आने वाली है अब आपसे यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, अभी हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक कर लें। और मध्य प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की हर एक अपडेट की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहें। तो मिलते हैं आप सब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।